तेलंगाना कांग्रेस के सरबरा रेवंत रेड्डी ने ट्वीट किया कि किसान सरकारी मिशनरी और राइस मिलर्स के दरमियान फंसा हुआ है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि किसानों के मफादात के सिलसिले में यकीन दहानी करवाने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें एक दूसरे पर सियासी हमले कर रही और जवाबी हमलों से वक्त जाया किया जा रहा। उन्होंने वाजे किया कि कांग्रेस किसानों के लिए लड़ाई लड़ने तैयार है। उन्होंने कहा कि अहदेदार खरीदारी के मराकज में धान की नमी और मैार की जाँच के बाद इसकी खरीदी को यकीनी बना रहे। ताहम किसानों की शिकायत है कि मिलर्स अनाज नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि बाज मिलर्स का कहना है कि अनाज का मैयार ठीक नहीं है।